बाद में इंसानी स्मगलिंग का जो कारोबार है ये खत्म नहीं हो सका। अभी भी मंडी भाउदीन में इंसानी स्मगलर ने नौजवान को सऊदी अरब भिजवाने का झांसा देकर उसे हीरोइन भरे कैप्सूल खिला दिए। नौजवान को जद्दा पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों अफराद ने इंसानी स्मगलर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से नौजवान को रिहा करवाने का मुतालबा किया है। मंजर सज्जाद हमें मजीद बता रहे हैं। इंसानी स्मगलर इम्तियाज शाह ने मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव रेड़का बाला के 28 साल नौजवान गुलाम शब्बीर को बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर सऊदी अरब भिजवाने के लिए तैयार किया। मेहनत कश गरीब खानदान ने 4 लाख में वीजा तय किया और 2 लाख एडवांस दिए और अब इसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर इसके वालिद का जहनी तवाजुन खो चुका है। जबकि वालदा का कहना है कि बड़े अरमानों से गुलाम शब्बीर को सऊदी अरब के लिए भेजा लेकिन उनके साथ जुल्म हो गया। एक रात साढ़े को उस वेला के थुक दिया, वो लेके टूट गया, हाँ साढ़े ना धोखा हो गया। रमा साल जनवरी में गुलाम शब्बीर एजेंट के साथ कराची गया था, जहाँ पहुँचने की इतला के बाद इसके अहले खाना से राबता मुनकता हो गया और 1.5 माह बाद उसने भाई को फोन करके बताया कि एजेंट ने उसे धोखे से मंशियात भरे कैप्सूल खिला दिए और उसे जद्दा एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वो कैद में है। बाकी पैसे देने सा बहुत ज्यादा जुल्म होया ज्यादती हुई। अहले इलाका का कहना है कि गुलाम शब्बीर एक शरीफ नौजवान है और हुकूमत इसकी रिहाई के लिए मदद करे। ये ओपरी किसम भी कोई हेरा फेरी नहीं। जंग के लोगों का कहना है कि मंशियात स्मगलर मिली भगत से सादा अफराद को मंशियात की बैरून मुल्क स्मगलिंग के लिए बतौर कैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशियात का बैन अलावी कारोबार करने वाले अफराद की जानिब से सादा लू देहाती अवाम के जरिए मंशियात ले जाने के घनौने इकदाम का इंकशाफ हुकूमती इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन।